नमस्ते बच्चों, हमने रघुवीर सहाय का जीवन परिचय और उनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज इसका अनुवाद किया था। आज हम उस कविता के साथ के जो प्रश्नोत्तर दिए हैं वह प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न आपका है, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्टक में रखी गई है, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? उत्तर, कविता में निम्नलिखित पंक्तियाँ कोष्टक में दी गई हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कैमरा बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, बस थोड़ी ही कसर रह गई। इन सभी पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं हैं। यदि इन पंक्तियों को कवि नहीं लिखता तो कविता का मूल भाव स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए कोष्टक में दी गई इन पंक्तियों के कारण शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है। प्रश्न नंबर दो, कैमरे में बंद अपाही करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। उत्तर, यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है, वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। प्रश्न नंबर तीन, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? इस प्रश्न को और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम समर्थ शक्तिमान हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है? चाहे कैसे भी पूछें, उत्तर यही लिखना है। उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। प्रश्न नंबर चार, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? उत्तर, कार्यक्रम संचालक व निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वह धन व प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े वह अपनाता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है और इससे उसे धन व यश मिलता है। प्रश्न नंबर पाँच, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है? उत्तर, कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले दर्शक को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा। समय और पैसे की बर्बादी वे नहीं करना चाहते हैं। कविता के आसपास प्रश्न नंबर पहला है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हैं किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? उत्तर, यदि मुझे शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो मैं उसके गुणों को सबसे पहले बताऊंगा। मैं उसकी कमजोरी को व्यक्त नहीं करूंगा।
जैसे ये मेरे मित्र रमेश शर्मा हैं जो मेरे साथ 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये बहुत प्रतिभाशाली हैं। 10वीं की कक्षा में तो इन्होंने 7वां स्थान पाया था। इसके अलावा ये कविता पाठ बहुत सुंदर करते हैं। दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटना में इनकी एक टांग जाती रही, इस कारण इन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, परंतु इसके कारण इनके उत्साह व जोश में कोई कमी नहीं है। पढ़ाई लिखाई में ये पहले की तरह ही मेरी सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 2, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार संक्षेप में लिखिए। उत्तर, यदि हम ऐसे कार्यक्रम देखेंगे तो हमें बहुत दुख होगा। हमारा मन उस अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा से भर जाएगा। हमें मीडिया के लोगों और प्रश्नकर्ता पर बहुत क्रोध आएगा क्योंकि वे संवेदनहीन हो चले हैं। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वार्थों को पूरा करना ही उनकी मानसिकता है। वास्तव में ऐसे कार्यक्रम सामाजिक नहीं, व्यक्तिगत और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। ये कार्यक्रम लोगों का भावात्मक रूप से शोषण करते हैं ताकि उन्हें प्रसिद्धि मिले। प्रश्न 32, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निर्देशक को भेजें। तो ये इसका आपको प्रारूप पूरा दिया गया है, आप इसको देखकर अपनी कॉपियों में लिखेंगे। प्रश्न 4 है, नीचे दिए खबर के अंश को पढ़िए और बिहार के इस बुधिया से एक काल्पनिक साक्षात्कार कीजिए। तो इसका उत्तर अब आपके सामने आने वाला है। आप देखेंगे कि आप क्या करेंगे। 5 साल, संपूर्ण रूप से विकलांग और दौड़ गया 5 किलोमीटर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यह कारनामा कर दिखाया है। पवन ने बिहारी बुधिया के नाम से प्रसिद्ध पवन जन्म से ही विकलांग है। इसके दोनों हाथ का पुलवा नहीं है जबकि पैर में सिर्फ एड़ी ही है। पवन ने रविवार को पटना के कारगिल चौक से सुबह 8:40 पर दौड़ना शुरू किया। डाक बंगला रोड, तारामंडल और आर ब्लॉक होते हुए पवन का सफ़र 1 घंटे बाद शहीद स्मारक पर जाकर ख़त्म हुआ। पवन द्वारा तय की गई इस दूरी के दौरान उम्मीद स्कूल के तकरीबन 300 बच्चे साथ दौड़ पर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। सड़क किनारे खड़े दर्शक यह देखकर हतप्रभ थे किस तरह एक विकलांग बच्चा जोश एवं उत्साह के साथ दौड़ता चला जा रहा है। जहानाबाद जिले का रहने वाला पवन नवर सना एकेडमी बेऊर में कक्षा 1 का छात्र है। असल में पवन का सपना उड़ीसा के बुधिया जैसा करतब दिखाने का है। कुछ माह पूर्व बुधिया 65 किलोमीटर दौड़ चुका है लेकिन बुधिया पूरी तरह से स्वस्थ है जबकि पवन पूरी तरह से विकलांग। पवन का सपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल तय करने का है। 9 अक्टूबर 2006 हिंदुस्तान से साभार। अब आपके जो प्रश्न है वो देखिए। प्रश्न 1, आपको दौड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रश्न 2, क्या आपने दौड़ने से पहले कोई अभ्यास किया था? प्रश्न 3, क्या तुम जानते थे कि इतना दौड़ पाओगे? प्रश्न 4, आपने केवल सुर्खियों में रहने के लिए दौड़ लगाई या वास्तव में दौड़ना चाहते थे? प्रश्न 5, क्या तुम उड़ीसा के बुधिया से प्रभावित हुए? प्रश्न 6, क्या तुम जानते थे कि उड़ीसा के बुधिया और तुम में कितना अंतर है? बच्चों, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या अब हम कल करेंगे।